एक्सरसाइज 4.5 पे आगे मूव करने से पहले हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, फैक्टर थ्योरम, जिसको करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो देखते हैं फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट। ये कहता है जी कि जब हम अपने पॉलिनोमियल x माइनस a जो है इट विल बी अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ के f ऑफ a आपके पास जीरो आ जाए, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है x माइनस a इट विल बी अ फैक्टर ऑफ सम अदर पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ a जीरो आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके पास आ रही है जी, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है कि ये थ्योरम हम लोगों ने टू वे से प्रूव करना है। टू वे से क्या मतलब है, इसके दो हिस्से मैं बना लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये प्रूव करना है x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, एंड प्रूव मैंने ये करना है कि f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जबकि सेकेंड पार्ट में इसका कन्वर्स उल्टा होगा, यानी मैं कहूँगा f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देन मैं प्रूव करूँगा कि x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ जब भी किसी स्टेटमेंट में आपको नज़र आ जाए तो ये टू वे प्रूव होता है, पहली बात को लेके दूसरा प्रूव करना एंड सेकंड को लेके दोबारा पहली बात को प्रूव करना। चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। फर्स्टली लेट के मेरा x माइनस a जो है वो फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो जब ये f ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब कि f ऑफ x मेरे पास x माइनस a की प्रोडक्ट है विद सम अदर पॉलिनोमियल से g ऑफ x। अब यहाँ पे मैंने f ऑफ a फाइंड करना है, तो आई विल पुट x इज इक्वल्स टू a। ये मेरे पास आ जाएगा f ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस a टाइम्स g ऑफ a, x की जगह पे पुट कर दे, a माइनस a बिकम ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू एनी थिंग इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये मेरी वन साइड प्रूव हो जाती है कि जहाँ पे मैंने x माइनस a को f ऑफ x का फैक्टर लिया है एंड हमारे पास f ऑफ a इक्वल आ गया है ज़ीरो के, f ऑफ a ज़ीरो आ जाता है। इट मींस ये हम लोगों ने प्रूव कहा था कि f ऑफ a हमारा रिमाइंडर है, जब हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम किया था। तो इट मींस रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरो। कब, जब भी आपका एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होगा देन यू विल गेट रिमाइंडर एज ज़ीरो। अब कन्वर्सली चलते हैं इसका सेकंड वे। कन्वर्सली मैं लेट कर लेता हूँ कि माय एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, और अब मैंने प्रूव ये करना है कि एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। उसके लिए हम लोगों ने अभी पीछे जब डिवीजन परफॉर्म की थी तो उसको यूज़ करते हुए बाय डिवीजन एल्गोरिदम, जब मैं डिवाइड करता हूँ, व्हेन वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव एफ ऑफ एक्स को मैं फिर लिखूँगा एक्स माइनस ए की प्रोडक्ट इनटू सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में जिस चीज़ का जिक्र किया था। अब सिंस हमें इस बात का पता है, वी नो दैट कि जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होता है, एंड वो हम लोगों ने एफ ऑफ ए को क्या लिया है स्टार्ट में, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, आप लोगों का ये एक्सप्रेशन वन किस फॉर्म में आ जाएगा, इट विल बिकम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टाइम्स क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे f ऑफ x आपके पास दो पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट आ रही है, सो इट मींस x माइनस a जो है वो f ऑफ x का फैक्टर है। सो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ फॉर द थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के पास हमारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे के सारे आपके पास फैक्टर थ्योरम के ऊपर आ जाते हैं। 4.5 में अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अदर पॉलिनोमियल। ओमेगा प्लस 2 हमारा यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल है, जबकि सेकंड पॉलिनोमियल 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7 आ जाता है। अब मैंने चेक ये करना कि क्या ओमेगा प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, या तो इसके लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे। हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में ये बात की, पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है तो हमारे पास एफ ऑफ ए जो है यानी रिमाइंडर दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में लेट कर लूँगा
इस पॉलीनोमियल को मैं एफ ऑफ ओमेगा, चूँकि क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल ओमेगा यूज़ हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं ओमेगा को ही यूज़ करूँगा एज अ वेरिएबल। दिस विल बी 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7, एंड जिसको हम लोग एक्स माइनस ए कहते थे, चूँकि हमारा वेरिएबल ओमेगा यूज़ हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एक्स आई विल यूज़ ओमेगा। दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा प्लस 2, और ऑन कंपेयरिंग यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती है माइनस 2। नाउ रिमाइंडर जो आप लोगों के पास होता है विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2, सो आई विल पुट माइनस 2 इन प्लेस ऑफ ओमेगा, तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 7, ये आपके पास आ जाएगा 2। ऑड पावर है माइनस विल कम एज इट इज़, 2 का क्यूब इज 8, प्लस इवन पावर माइनस साइन चेंजेस टू पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, माइनस माइनस प्लस 4, 2 आर 8 एंड प्लस 7 विल कम एज इट इज़। नाउ 2 माइनस 8 आर माइनस 16, प्लस 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 19। अब माइनस 16 प्लस 19 हमारे पास रिजल्ट करता है 3 के, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा प्लस 2 जो है वो सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं है। सो ओमेगा प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ओमेगा, 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है, x प्लस ए इज अ पॉलीनोमियल, सेकंड इज x की पावर n प्लस a की पावर n, यहाँ पे n हमारे पास जो है वो ऑड इंटीजर है। सेम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में, उसमें n आपके पास इवन इंटीजर है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, मैं 9 कर रहा हूँ, 8 विल बी ऑन योर साइड। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, मैं लेट कर लेता हूँ अपने एक्सप्रेशन को, फर्स्ट वन एफ ऑफ एक्स इज एक्स की पावर n प्लस a की पावर n, एंड सेकेंड जो मेरा x माइनस ए लीनियर पॉलीनोमियल होता है वो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास a आ रहा है, तो थ्योरम के अंदर जो हम लोग x माइनस ए लेते थे उसको मैं a प्राइम कह देता हूँ, ताकि हम लोग कन्फ्यूजन को ओवरकम कर सकें, तो यहाँ से मेरे पास a प्राइम की वैल्यू आ जाती है माइनस a। नाउ मैं अपना रिमाइंडर चेक करूँगा, माई रिमाइंडर विच वॉज एक्चुअली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्राइम होगा इस केस में, और ए प्राइम की वैल्यू हम लोगों ने ली है माइनस ए, तो एक्स की जगह माइनस ए पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, इट विल बिकम माइनस ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एन वाज एन ओड इंटीजर, तो जब भी पावर आपके पास ओड आती है माइनस साइन कम्स एज इट इज़ एंड ए की पावर एन विल बी ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे प्लस माइनस विल कैंसिल डाउन एंड वी विल गेट रिमाइंडर एज ज़ीरो। तो जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, बाय फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने कहा था कि रिमाइंडर ज़ीरो हो तो इट मींस के पॉलीनोमियल दूसरे का फैक्टर होता है। सो एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन।